कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने पर करनाल के कमेटी चौक पर विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर कमेटी चौक पर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। मौके पर उपस्थित व्यापारियों ने बताया कि धारा 370 हटाए जाने से कश्मीर में व्यापार करने के रास्ते खुल जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर एक समान संविधान पूरे देश में लागू हो जाएगा और कश्मीर का अलग झंडा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आम देश का नागरिक अपनी संपत्ति की खरीद फरोख्त भी कर पाएगा। इस मौके पर व्यापारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर आभार व्यक्त किया गया। वहीं दूसरी ओर करनाल फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से कमेटी चौक पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई और नाच गाकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऐसा ऐतिहासिक साहसपूर्ण फैसला लेने पर धन्यवाद किया और कहा कि पूरे देश में इस फैसले से खुशी की लहर दौड़ रही है। आज बड़ी खुशी का माहौल है। धारा 370 आज भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, ये बड़ा सराहनीय निर्णय है और बोल्ड स्टेप है। इस खुशी में आज पूरे करनाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं और जगह जगह पे मिठाई बट रही है, लड्डू बट रहे हैं और लोग अपना ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इस खुशी में करनाल व्यापार मंडल ने भी यहाँ कमेटी चौक पे बड़ा बम पटाखों से इसका स्वागत किया। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उठा करके जनता की मान सम्मान बढ़ाया और 70 साल से जो डिमांड थी उसको आज उन्होंने पूरा किया। बधाई के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से भी और पूरे शहरवासियों की ओर से बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अगर ठीक बनाइए धारा 370 हटाने के उपलक्ष्य में व्यापार मंडल करनाल और फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा करवाया जा रहा है यहाँ पे। क्या करते हैं आप जो ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह द्वारा जो फैसला लिया गया है धारा 370 को हटाने का, ये देश के हित में है और कश्मीरों के हित में भी है। क्या कहना चाहिए? 70 साल के इतिहास के अंदर जो कि पहले की सरकारें आज तक ये काम नहीं कर सकी, कांग्रेस सरकार भी 55 साल तक राज्य किया, जो हमारा हक बनता था, हमारे देश का एक भाग था, वो हमारे से कटा हुआ था, जिसके अंदर 370 और 35A लगी हुई थी। हमारा कोई भी देशवासी वहाँ जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई मकान नहीं बना सकता था, उग्रवाद पनप रहा था। इस प्रकार से जो मोदी जी ने एक करिश्मा किया है, इससे हमारे देश की जितने भी राज्य हैं बराबर, मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से सारी स्टेटें हैं इसको बराबर किया है और ये कश्मीर जो कि भारत देश का अपने आप को अलग कहता था, वो अब भारत देश के अंदर ही उनकी संविधान के धारा, जो भी धारा संविधान की पूरे देश की होगी वही लागू उन पर कश्मीरियों पर होगी और कश्मीरियों के अंदर भी बहुत खुशहाली आएगी, कारोबार बढ़ेगा, फैक्ट्रियाँ आएंगी, इंडस्ट्री आएगी, बेरोजगारी खत्म होगी और जो भी अंतवादी हैं वहाँ उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा और खात्मा अंकुश से हो जाएगा। हम मोदी सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। ये मुबारकबाद मोदी जी की सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।